It sees things other cars can't. How far can Ford technology take you? दुबई, सपनों का शहर। यहां ना जाने कितने सपने रोज उतरते हैं, अपनों को खुशियां देने के सपने, कुछ बड़ा कर दिखाने के सपने, सपने अपने लिए, सपने अपनों के लिए। लेकिन ख्वाब और हकीकत के बीच का ये सफर ना जाने कितनी कोशिशों, कितनी मुश्किलों और कितने इम्तिहानों से तय होता है। इस सफर में कुछ लोग टूट के बिखर जाते हैं, कुछ बुलंदियों पर पहुंचकर अपने सपनों को पूरा होते देखते हैं, लेकिन एक तीसरी किस्म भी है जो लड़ रही है हालात से, किस्मत से, वक्त से, और टूट के बिखर जाना जिन्हें मंजूर नहीं। कुछ ऐसे लोग जिनका सपना ही दूसरों के सपने साकार करना है, जिन लोगों ने हमें सिखाया कि इस जज्बे के लिए ना तो पैसा जरूरी है, ना रसूख और ना ही वक्त। इस जज्बे के लिए जरूरी है तो बस नियत। ये मामूली लोग हैं जो गैर मामूली काम कर रहे हैं। ये ऐसे ही लोगों की कहानी है। गमों को हंसते ही देखा है, खुशियों को रोते भी देखा है। एक अकेला बड़ा सहारा, भीड़ को तन्हा भी देखा है। ये शहर नमस्कार, गुड इवनिंग, सलाम। मेरा नाम है गगन मुद्गल और यह है फोर्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आसमा कैसे कैसे। मेरा घर, मेरी कार, मेरी जिंदगी, सब कुछ मेरा। ये शो जब से शुरू हुआ है हमारी सोच थोड़ी तो बदली है। अब लगने लगा है कि अपना, हमारा और ये पूरी दुनिया अपनी है। एक बात बहुत पहले किसी ने कही है, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी की पूरी दुनिया मेरी फैमिली है। और ये शो ने बात को ठीक तरह से साबित किया है। आज एक ऐसे शख्स से मैं आपको मिलवाऊंगा जो ये बताएंगे हमें कि एक कॉइन, एक सिक्का कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। एक कॉइन जो हम कई बार इधर उधर रख के भूल जाते हैं, या ये कॉइन हमारे वॉलेट में कई दिनों तक बेकार पड़ा रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कॉइन दुनिया में कहीं किसी की जिंदगी बदल सकता है? शायद हम ये कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन डॉक्टर इज़हार उल हक ने इस एक कॉइन से ना जाने कितनी जिंदगियों को बदला है, वन कॉइन चैरिटी के जरिए। जी हाँ, ये आपके इन बेकार पड़े सिक्कों को कलेक्ट करके कितने ही बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। पेशे से एक प्रोफेसर होने के नाते इन्हें एजुकेशन की अहमियत का अंदाजा है, और डॉक्टर इज़हार यूएन के सेकंड गोल ऑफ द मिलेनियम एजुकेशन को सपोर्ट करते हुए गरीब देश के गरीब बच्चों को एजुकेशन और हुनर फराहम करा रहे हैं। इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट को ये कैसे अंजाम देते हैं, आइए सुनते हैं खुद डॉक्टर इज़हार की ज़बानी, हमारे आज के एक्स्ट्राऑर्डिनरी शख्स। गुड इवनिंग सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत खुशी हुई मुझे इधर आने की। क्या बात है सर, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप क्या करते हैं?
मैं अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ. मेरी बैकग्राउंड है असल में, मैं पाकिस्तान मेरी पैदाइश है. जी, जी. But I went to the UK when I was very young. Okay. 5 साल का था. जी. फिर ज़्यादा मेरी उधर ही वहीं पे स्कूलिंग और वहीं पे स्कूलिंग सब कुछ उधर ही हुआ. और 20 साल हुए मुझे इस कंट्री में आते. मैंने उधर पढ़ाता था किंग्स कॉलेज में. जी. पर लेकिन मैं देखना चाहता कि और भी दुनिया है, अकेले इंग्लैंड ही नहीं है. ओके. फिर मैंने यूएई में आया. Okay. अभी 20 साल हो गए मुझे ऑन एंड ऑफ. सर, मैं और देखने वाले बिल्कुल ही एक्साइटेड हैं जानने के लिए वन कॉइन चैरिटी के बारे में. प्लीज़ बताइए इस बारे में कुछ. ये असल में ये बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है, पर लेकिन इसका इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है. जी. आजकल जो टेक्नोलॉजी है हमारे साथ और जो हमारे पास फैसिलिटीज़ है, ये यूज़ करके हम सबसे अच्छा है कि सब दुनिया जो लोग हैं वो शामिल हो सकते हैं इसमें. ये सबसे अच्छी चीज़ बात है इसकी. ये पहले इसका नाम वन दिरहम चैरिटी था, बाद में नाम चेंज हुआ इसका. हाँ, असल में ये जब हमने स्टार्ट किया था वो हमने इधर अबू धाबी में यूनिवर्सिटी थी, अजमान यूनिवर्सिटी. अजमान में उस वक्त 25,000 स्टूडेंट थे वो यूनिवर्सिटी में. अगर एक दिरहम भी आप यूज़ करें और 25 से मल्टीप्लाई करें, 25,000 दिरहम इमीडिएटली आ जाए. पर ये हुआ कैसे, ये किस दिन ये ख्याल आया? कोई एक इंसिडेंट है जिससे ये सोच बदली? कहाँ से हुआ ये? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये असल में मेरे स्टूडेंट स्मोक करते थे. ओके. हाँ, स्मोक कर रहे थे. मैं गुजर रहा था साथ से और उन्होंने की मर्जी है स्मोक करना नहीं करना, पर मुझे दिल में ख्याल आया कि ये मेरे बच्चे जैसे हैं. जी. उनको मैं थोड़ा सा एडवाइस दे दूँ. मैं क्या, स्टॉप स्मोकिंग, यू नो दिस इज नॉट रियली नाइस, यू नो इट्स नॉट रियली गुड फॉर योर हेल्थ. स्मोकिंग से आपको ना नुकसान होएगा जब आप बड़े होंगे. मैंने कहा एक मुझे भी सिगरेट दे. उन्होंने दिया, मैंने तोड़ दिया. ओके. मैंने दूसरा मांगा, वो भाग गए. फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर सिगरेट वो स्पेंड पैसे कर सकते हैं, वो मुझे एक धर्म भी दे सकते हैं. फिर मैंने जो भी स्टूडेंट को मिला, मैंने कहा कि देखें, लोग अफ्रीका में, इंडिया में, पाकिस्तान में वो ना भूखे मर रहे हैं. जी. आपको एक धर्म दे सकते हैं अ वीक. वो कहते आई कैन गिव यू 100 नाउ, नॉट जस्ट वन धर्म, यू नो व्हाई यू आस्किंग फॉर वन. मैंने कहा द कॉन्सेप्ट इज वन धर्म. उससे फिर आइडिया चलती रही. फिर काफ़ी सपोर्ट हमें मिली स्टूडेंट से. जी. ऐसे वो शुरू हुआ. अगली बार अगर आप सिगरेट पीते हुए देखे गए तो डॉक्टर इज़हार आपके पास आएंगे और एक दिरहम मांगेंगे. वो एक दिरहम फाइन नहीं होगा, वो किसी की जिंदगी को बदल देगा. देखते रहिए, ब्रेक के बाद बातचीत चलती रहेगी. आसमां कैसे कैसे. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं फोर्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आसमां कैसे कैसे, और बात हो रही है आज डॉक्टर इज़हार से. और सब एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, वन कॉइन चैरिटी से आप बहुत कमाल का काम करते हैं, आप पढ़ाते भी हैं, किस तरह से एजुकेशन, किस तरह से ये टीचिंग आपकी हेल्प करती है इस चैरिटी में? सबको पता है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. ये है दुनिया की चाबी. जी. अगर आप यू आर एजुकेटेड, यू कैन ट्रेवल एनी प्लेस यू वांट, एनी टाइम, और उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी आ जाता है. जिस स्टूडेंट से मिलता हूँ मैं यही कहता हूँ कि देर इज़ अनदर स्टूडेंट इन अफ्रीका हु नीड्स योर हेल्प. इस बात से वो दूसरे स्टूडेंट से बुलाता है, और अब जो भी यूनिवर्सिटी में है ना, जो भी स्टूडेंट है, जितने भी है, वो हमारे साथ है. मैं एग्जांपल दूँ, अजमान में 25,000 थे, इधर अमेरिकन यूनिवर्सिटी में 2,500 है. ओके. अगर आप मल्टीप्लाई करें कितने स्टूडेंट इस मुल्क में ही है. जी. हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा कि हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हम कैसे इसको यूज़ करके उनको एजुकेट करें. आपके इस जादुई कॉइन ने, इस मैजिकल कॉइन ने किस किस कंट्री में हेल्प किए लोगों की, कहाँ कहाँ पर है आपके प्रोजेक्ट्स? अभी हमने सोमालिया में ऑलमोस्ट वी ओपन अप 3 लाइब्रेरीज. ओके. वी सेंट 1 million वर्थ ऑफ बुक्स, $1 million वर्थ ऑफ बुक्स. और पाकिस्तान में भी हमने विंड टर्बाइंस बनाई, ऑटोनमस विंड टर्बाइंस, जो विलेज में ले लें उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. रात को वो पढ़ सकते हैं. इसका ये नहीं मतलब रात पढ़ गए थे बस, यू नो, एंड ऑफ द डे. बट दे कैन कंटिन्यू स्टडिंग इनटू द नाइट. दे कैन स्टडी एज हार्ड एज दे वांट. दे कैन वर्क इन द मॉर्निंग एंड दे कैन स्टडी इन द इवनिंग. और हम अभी जो कर रहे हैं, जो हमारी फोकस है, वो सूडान में है. सूडान में भी बहुत हम
شروع کر رہے ہیں ایجوکیشن پروجیکٹ, اس میں ہم زیادہ پریکٹیکل کر رہے ہیں, کارپنٹری کر رہے ہیں, میسنری کر رہے ہیں برکس بنانے کے لیے کہ وہ گھر بنا لیں, اور فارمنگ کر رہے ہیں, کیٹل فارمنگ کر رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں کہ جو پریکٹیکل ایجوکیشن ہے لوگوں کے بعد میں کام آتی ہے, لوگ ایک ہنر جس کو کہتے ہیں وہ مل جاتا ہے. ہاں جی بالکل, اسکلز. ہاں جی بالکل. یہاں پہ کتنے لوگ ہیں یو اے ای میں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ کے آفس میں یا جہاں سے بھی آپ آپریٹ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس اگر آپ فیس بک میں جائیں, جی, ود ان ون منتھ وی ہیڈ مور دین 980 پیپل ود ان ون منتھ, وچ از ریئلی ویری لارج نمبر. اگر آپ لنکڈ ان میں جائیں وی ہیو مور دین 4000. اگر ٹویٹر میں جائیں اور ہماری ویب سائٹ میں جائیں وی ہیو مور دین 5,000 or 6,000 پیپل ہو آر سپورٹنگ اس. سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی کافی زیادہ مدد ملتی ہے. بالکل, سوشل میڈیا از دا کی, جو آپ نے ابھی بولا نا سوشل میڈیا, دس از دا کی. تھرو سوشل میڈیا وی کین انگیج ایوری اسٹوڈنٹ آن دس ارتھ. اگر ایوری اسٹوڈنٹ کانشیسلی وہ سوچیں کہ ہمیں ایجوکیشن مل رہی ہے, ہمیں کھانا مل رہا ہے, ہم سو رہے ہیں آرام سے, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, کوئی فکر نہیں ہے, دے آر مور دین ہیپی ٹو گیو اے اسمال امیونٹ آف ون کوائن ٹو ہیلپ سمبڈی ہو از انڈر پریولیج, جس کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہے جو ہم گرانٹیڈ ہیں. ہم سوچتے نہیں کہ ہمیں کھانا ملے گا کہ نہیں. سوشل میڈیا جو آپ نے بولا, اٹ از دا کی, اینڈ دا ٹیکنالوجی یوز کر کے وی کین چینج دا ورلڈ, ریئلی وی کین. جو آپ سے جڑنا چاہتے ہیں اس میں, سپوز میں اپنا کوائن آپ کو دینا چاہتا ہوں یا جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے جو آپ سے جڑنا چاہیں؟ پہلے تو میں کوائن کلیکٹ کر لوں گا سب. جتنے کوائن ملے گے اتنا ہی ہمیں فائدہ, کیونکہ ایک کوائن بھی جو ہم سوچتے ہیں کہ اس کا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, پر لیکن وہ ایک کوائن سے یو کین چینج سم بڈیز لائف. آپ بہت ایزی سے کر سکتے ہیں, آپ ویب سائٹ پر جائیں, ہماری ویب سائٹ پہ ادھر ہے رجسٹریشن, یو کین رجسٹر ویری ایزی, اٹ ڈزنٹ ٹیک مور دین 2 minutes, یو کین رجسٹر اینڈ یو بیکم پارٹ آف دا گلوبل سوسائٹی. وی آر ناٹ ریسٹرکٹیڈ اونلی ان دا یو اے ای. ہمارا جو پروجیکٹ ون درم تھا اب بن گیا ون کوائن, کیونکہ جو ون درم تھا وہ لوکل تھا, اب ون کوائن کسی بھی کنٹری میں وہ ون کوائن ہے. بالکل, اب میرا فوکس ہے انگلینڈ, امیریکا, جہاں یونیورسٹی اور چائنا, اور جہاں ایک یونیورسٹی میں دے مور دین 20,000 اسٹوڈنٹس. اگر آپ امیجن کریں کہ دنیا میں اتنے اسٹوڈنٹ ہیں, اگر 1% وہ اسٹوڈنٹ مل جائے, یو ہیو سولو دا پرابلم فار پاورٹی. بالکل, آپ نے ابھی بات کی اسٹوڈنٹس کی, اور میں بھی پوچھ رہا تھا کتنے لوگ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں, تو ایک میسیج ہے آپ کے اسٹوڈنٹ کا, عدنان کا, یہاں پر دیکھیں. ہاں جی بالکل بالکل بالکل. ڈاکٹر اظہار سے میں پہلے 6 سال پہلے ملا تھا NYIT میں, جب میں وہاں پہ اسٹوڈنٹ تھا, اور بہت نائس, جس کو کہتے ہیں نا, بہت ہوپ فل انسان ہیں. اتنا ہوپ فل انسان میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہیں. بہت ان کی طرف ایک گریویٹیشنل پل ہے, جس کی وجہ سے ہم ان کی طرف اور ان کے سبجیکٹ کی طرف اٹریکٹ ہوئے تھے. ان سے سب سے بڑی میں نے یہی چیز سیکھی ہے, ہیومینٹی جو ہے ان میں بہت ہے, اور پازیٹیوٹی بہت ہے. ہمیشہ ان کو ہنستے دیکھا ہے, ہمیشہ اسٹوڈنٹس کی طرف سمپتھی رکھتے ہیں, ان کی ہیلپ کرتے ہیں, اور ویری ہیومینیٹیرین. ون کوائن کا بیسکلی مقصد ہی ان کا یہ تھا کہ غریب بچوں کے لیے جو ہے وہ ایجوکیشن فری ہو, کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ایجوکیشن ہے تو آپ کے پاس پاور ہے. وہ دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں, اس کی انڈرسٹینڈنگ کو چینج کرنا چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن ہی جو ہے وہ مین پاور ہے. ایجوکیشن سے ہر غریب اپنی قسمت بدل سکتا ہے, اپنی فیملی کی قسمت بدل سکتا ہے, اپنے ملک کی قسمت بدل سکتا ہے. یہ جو گریویٹیشنل یہ جو فورس ہے آپ کے اندر, بہت سارے کوائنز ہیں لوگوں کی سپورٹ کی طرح, اس لیے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں آپ کی طرف. صحیح, اصل میں یہ پروجیکٹ ہی اتنی خوبصورت ہے کہ جب بھی کوئی سوچتا ہے کہ بچے مر رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دن میں 21,000 بچے مر جاتے ہیں. 21,000, اس کا مطلب 4 سیکنڈ میں ایک بچہ مر گیا, 1, 2, 3, 4 مر گیا. اور ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم جہاں رہتے کہ اس طرح کی چیزیں دنیا میں ابھی تک ہوتی ہیں. اس طرح کی باتیں سوچ سوچ کے ہم نے کہا وی ہیو ٹو گیٹ ایوری بڈی انگیج. اس لیے جس اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں وہ گریویٹیٹ ہے نا آ جاتا ہے, کیونکہ ایوری ہیومن
उनके पास सॉफ्ट स्पॉट है, स्पेशली बच्चे, क्योंकि बच्चों का कसूर ही नहीं है कि वो इस माहौल में पैदा हुए जहाँ एजुकेशन नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, उनका नहीं कसूर है, जहाँ कोई भी इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, हम पॉलिटिक्स को नहीं डिस्कस करते, ना कोई रिलीजन को डिस्कस करते, हम कहते हैं सब बच्चे बराबर हैं, वो बुद्धिस्ट हों, वो सिख हों, वो क्रिश्चियन हों, वो मुस्लिम हों, एवरी चाइल्ड इज़ द सेम, देर इज़ नो डिस्टिंक्शन. We want to give that privilege to everybody who is willing to work hard and get themselves out of poverty and lift up their life. इसलिए जब भी जिससे भी बात करता हूँ वो खुशी से आते हैं, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. अब थोड़ी खुशी आपको ही मिलने वाली है, ब्रेक के बाद एक सरप्राइज आपके लिए, आप रेडी हैं उसके लिए? अगर हेल्प करते हैं बच्चों की, आई एम मोर देन हैप्पी. आपको मज़ा आएगा मिलके. फोर्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आसमा कैसे कैसे बात हो रही है डॉक्टर इजहार से, जिन्होंने एक कॉइन की मदद से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदली है. एक कॉइन जो हम बहुत केयरलेसली कभी कहीं छोड़ देते हैं, कहीं से लेना भूल जाते हैं, कभी कभी उठाने में भी आलस करते हैं, अगली बार उस कॉइन को संभाल के रखिए. ब्रेक के बाद आते हैं. आसमां कैसे कैसे. स्वागत एक बार फिर आप सभी का, वेलकम बैक. ये है फोर्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आसमां कैसे कैसे. एक दिरहम वन दिरहम चैरिटी, वन कॉइन चैरिटी बन गई, क्योंकि यूएई से निकलकर अब ये बात पूरी दुनिया में चली गई है. आप चाहे यूएस में हो या यूके में, एक कॉइन लोगों की ज़िंदगी बदलता है, और डॉक्टर इजहार ये काम कर रहे हैं. डॉक्टर इजहार, आपका सरप्राइज इज नेक्स्ट टू यू. मिस्टर बशर इज विद अस. आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड. आई एम रियली हैप्पी टू सी यू, ऑल्दो वी मीट ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट इट्स गुड टू सी हिम हियर एंड सपोर्टिंग मी, सिटिंग नेक्स्ट टू मी. You know, he was one of my best students. I'm not saying it just in front of you, but I'm really happy. So last 10 years you're together. Please tell us something about this association. Well, it started in Ajman University. I was a student there doing computer engineering. Mm. When I met Dr. Izhar, I really loved the idea how he used to make education fun. Mm. We started to work in some minor projects, and then the idea of One Dirham came out. It was really something different for me. I loved the idea. I loved the values behind the idea. I was so excited about it. Probably some people might laugh on it. It's one dirham, why don't make it 10 dirhams or something like this. I love the value because this project was for the youth, by the youth. And my part was handling the technology. And at this time, we're also working on social networking. It's for sure much easier for us. He believed that a charity should be like giving you things for your life. It's not about giving you money. Mm-hmm. It's about giving you something for your life. True. Education for the world. That was our project about. Was he a very strict teacher in the college? Oh, yes. He used to be. But really, after the class, he's one of the best, or he's the best. Doctor, the extraordinary team ne aapke liye ek aur surprise rakha hai. Aur aapke friend ka naam main bahut der se koshish kar raha hoon kaise bolun. Dr. Mutahasin. सही नाम है? हाँ, बिल्कुल सही है. चलिए उनका मैसेज देखते हैं. मैं इजहार उल हक को तकरीबन पिछले 11 साल से जानता हूँ. जब भी हमारी कभी मुलाकात होती तो वो यही कहते थे कि इस वक्त इस पूरी दुनिया में अवाम बड़ी पसमानदगी का शिकार हैं. इनका सिर्फ एक मेन कॉज ये था कि यूनाइटेड नेशन की जो एजुकेशन के बारे में पॉलिसी है, इनकी किसी तरह से उसमें पार्टिसिपेशन हो. तो उस पार्टिसिपेशन को लेके इन्होंने गरीब मुल्कों का रुख किया, जिसमें आप सोमालिया समझ लें, इंडिया समझ लें, पाकिस्तान समझ लें, तो जो भी इस किस्म के गरीब मुल्क थे, ताकि वहाँ के लोग जो तालीम से बेबहरावर हैं, उनको सिर्फ आम तालीम नहीं बल्कि उनको प्रोफेशनल तालीम भी दी जाए. तो उस प्रोफेशनल तालीम का उनका काज ये था कि लोग अपने रोज़गार की तरफ आएँ, और रोज़गार से जो भी उनको कमाएँ अपना भी उनका गुजारा हो, और उसके अलावा फिर वो इस चैरिटी में, ताकि ये प्रोसेस जो है जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से आगे चलता रहे. क्या बात है डॉक्टर. आपसे यूएन के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ. यूएन के जो 8 गोल्स हैं, पोलियो से लेके और एजुकेशन, सेकंड गोल है आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको, आपने क्यों सोचा कि यू नो सेकंड गोल को मुझे सपोर्ट करना है? असल में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन. मैं मेडिकल डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं PhD हूँ, और जो मेरा है, आई एम रियली एन एजुकेशनलिस्ट, और आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम नॉट अ रिलीजियस गाय इन दैट सेंस. सो एजुकेशन वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू इन्वॉल्व पीपल, टू इंगेज पीपल, टू टेल देम एवरीथिंग अबाउट एजुकेशन. आई एम एन एक्सपर्ट इन एजुकेशन.
I've been teaching for, I'm not bragging, I'm sorry, but I've been doing this for the last 22 years, so I know more about education than anything. True. And I also know that jo education hai agar aapke paas aa gayi ye duniya pura aapka is open door for us. Aur United Nations 2000 mein inhone 8 goals set kiye. Okay. Wo second goal tha United Nation, isko kehte hain United Nation develop millennium development goals. Okay. Or puri duniya ki countries got together and they said these are the problems the world is facing. We should all support each other and to solve the problem. Ye hamari opportunity thi. Aur humne kaha education will take over, will support the government. Kyunki government bahut busy hai. They're fighting terrorism, they're helping to develop the country, they're doing construction. Unke paas itna bada agenda hai. One of the agenda is education. Humne kaha, why don't all of us get together and support the government? Hamara target hai ke jo unka target hai United Nations Development Millennium Development Goal number 2, hum pure student duniya ke as much as we can gather aur unke paas chota sa jo sikha aapne bola lekar we can solve the problem. Mm-hmm. Otherwise ye United Nations Development Goal ye solve nahi ho sakta. It just बहुत बड़ा है आप बताइए अब यहां से ये एक कॉइन जो है आपका ये क्या ख्वाब दिख रहा है क्या सपने दिख रहा है फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके जो सपना है हमारा जो ड्रीम है कि कोई बच्चा ना रात को भूखा ना सोए जैसे मेरे बच्चे हैं वो खाते हैं पीते हैं जब उनको भूख भी लगती है हम इस तरह उछलकर उनको खाना देते हैं एक नहीं दो लेते हैं बर्गर ड्रीम है कि सब बच्चे दुनिया के सब माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे होते हैं और वही बच्चों को हम भी चाहते हैं कि वो भी जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं उनको सब कुछ मिलता है उनको भी मिलना चाहिए ये हमारी ड्रीम है इसके बाद तो वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू जस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो पॉवर्टी है वैसे आज मेरा ये प्रॉमिस है पूरे यूनिट की तरफ से और मेरी तरफ से और देखने वालों की तरफ से मेरा कॉइन आप तक आ गया है और देखने वालों का कॉइन भी मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि आप तक आ जाएगा कि हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आज से बहुत मुझे खुशी है बहुत कोई, खुशी कोई मैसेज आप देखने वालों को देना चाहते हैं बिफोर वी लीव यही कहता हूं कि आप ये ना सोचें कि हम छोटा काम करते हैं ड्रीम बड़ी रखें और खुद ना खुद रास्ता मिल जाएगा जो भी हमें कहता है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये ना सोचें अगर हम पूरे मिलकर इसको टैकल करें और ये सॉल्व हो जाएगा सो माई मैसेज इज प्लीज जॉइन अस एंड बी पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल सोसाइटी दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व अ ग्लोबल प्रॉब्लम इट्स नॉट माई प्रॉब्लम इट्स नॉट योर प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड आप भी शामिल हो जाएं और हमारे साथ लेट्स चेंज द वर्ल्ड वन पर्सन एट अ टाइम क्या बात है फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आसमा कैसे कैसे आप एक कॉइन रोज दे सकते हैं एक कॉइन पर वीक दे सकते हैं पर मंथ दे सकते हैं या पर ईयर दे सकते हैं आपकी जैसी इच्छा हो लेकिन ये एक कॉइन इनके जरिए बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल देगा डॉक्टर इजहार मिस्टर बशर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस थैंक यू सो मच फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आसमा कैसे कैसे डॉक्टर इजहार जिनकी वन कॉइन चैरिटी लोगों की जिंदगियां बदल रही है अगले हफ्ते फिर से एक ऐसी जिंदगी से आपको मिलवाएंगे जो बहुत ही अनूठा बहुत ही कमाल का काम कर रही है आपके मैसेजेस आपके ईमेल्स ऐसे ही आते रहने दीजिए इससे हम इस शो को और बेहतर बना पाते हैं मिलते हैं अगले हफ्ते खुदा हाफिज़ इसी ज़मीन पे मिले हैं हमको आसमां कैसे कैसे आसमां कैसे कैसे आसमां कैसे कैसे It sees things other cars can't. How far can Ford technology take you?